नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर शुरू हुआ सियासी बवाल अब बढ़ता ही जा रहा है। पहले अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए तो अब राहुल गांधी ने इसे संविधान के खिलाफ बताया है। लेकिन बाबा की लाइन तो शुरू से ही क्लियर है, जो अपराध करेगा वो अंजाम भुगतेगा। और एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में अखिलेश यादव और राहुल गांधी को जवाब दे दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। एनकाउंटर पर सवाल, सियासी बवाल, पुलिस की गोली, जाति वाली बोली, योगी ने विपक्ष के एजेंडे की पोल खोली। दिन दहाड़े डकैती डालने वाले और 1 लाख की इनामी बदमाश का योगी की पुलिस ने खेल खत्म किया तो सियासी मीटर चालू हो गया। सियासी पारा इतना हाई हो गया कि एनकाउंटर की कई दिन बाद भी उबाल बढ़ता जा रहा है। अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए तो सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी सुर में सुर मिलाए और अब कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया तो योगी ने विपक्ष पर चुन चुन कर वार किया। आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया सागर को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो तब ये चिल्लाने लगते हैं। वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके चौक करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे, ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था। डकैत हत्या करके भाग गया और पुलिस के पास सुराग नहीं मिलती तो यही लोग बोलते देखिए साहब अराजकता है। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी और फिर मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए था। योगी ने तो साफ कर दिया कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, जो अपराध करेगा वो अंजाम भुगतेगा। हालांकि पुलिस की गोली पर विपक्ष की बोली एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रही है। राहुल गांधी ने इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े करते हुए कहा, बीजेपी शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां वही उड़ा रहे हैं जिन पर उनका पालन कराने की जिम्मेदारी है। सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बीजेपी रूल ऑफ लॉ पर विश्वास नहीं करती। मंगेश के परिवार के आंसू पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं, कौन जिएगा कौन नहीं जिएगा इसका फैसला अदालत करेगी या पुलिस? एसटीएफ जैसी प्रोफेशनल फोर्स को बीजेपी सरकार में आपराधिक गिरोह की तरह चलाया जा रहा है, जिस पर केंद्र सरकार की चुप्पी इस ठोको नीति पर उनकी स्पष्ट सहमति है। यूपी एसटीएफ के दर्जनों एनकाउंटर सवालों के घेरे में है, क्या आज तक उनमें से किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई? आखिर कौन उन्हें बचा रहा है और क्यों? कैमरों के आगे संविधान को माथे से लगाना सिर्फ ढोंग है जब आपकी सरकार ही उनकी खुलेआम धज्जियां उड़ा रही हो। उत्तर प्रदेश में हुए सभी संदिग्ध एनकाउंटर्स की निष्पक्ष जाँच कर इंसाफ किया जाना चाहिए, वर्दी पर लगी खून की छींटे साफ होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने न केवल समाजवादी पार्टी को बल्कि कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। योगी ने कहा कि इसी उत्तर प्रदेश में हर जिले में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व में पलने वाले माफियाओं की सरकारें चलती थी, लेकिन अब माफिया एक एक करके गायब हो गए। उत्तर प्रदेश है जहां पर हर जिले में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व में पड़ने वाले माफियाओं की समानांतर सरकारें चलती थी, अंबेडकर नगर में भी चलती थी। याद करिए हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष पाटा जनपद के ही निवासी हमारे एक
प्रमुख कार्यकर्ता की हत्या यहां होती है और कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, तब भी मुझे आंदोलन करने के लिए अंबेडकर नगर जनपद में आना पड़ा था। तब भी हम लोगों ने आंदोलन किया था माफिया के खिलाफ और समाजवादी पार्टी की सरकार की अराजकता के खिलाफ। लेकिन 17 के बाद एक एक करके माफिया कहां चले गए ये भी आप सब जान रहे हैं। माफिया की छुट्टी हो गई, माफिया उत्तर प्रदेश हो गया। जो पर्व और त्योहार में विघ्न बाधा डालते थे, विघ्न बाधा समाप्त हुई, अब पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे वे सभी गायब हो गए और जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। अखिलेश यादव ने भी सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर यूपी सरकार पर तीखी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि लूटकांड के अन्य आरोपियों के तो पैर में गोली मारी गई, लेकिन मंगेश यादव की पुलिस से मुठभेड़ हुई तो उसकी जान ले ली गई। अखिलेश ने आरोप लगाया कि जाति देखकर जान ली गई है। सपा मुखिया ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देकर जान ले ली गई। पूरा मामला क्या है? 28 अगस्त को 2 करोड़ की डकैती हुई थी, सुल्तानपुर के भरत ज्वेलर्स में डकैती हुई थी। इस घटना का मुख्य आरोपी मंगेश यादव था। मंगेश यादव पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था। 6 सितंबर को एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मंगेश यादव मारा गया। हालांकि इस एनकाउंटर के बाद से ही सियासत गर्म है। जिस तरह एनकाउंटर पर सपा सवाल उठा रही है उसे लेकर सियासी पारा बढ़ा हुआ है, क्योंकि यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। माना जा रहा है कि सपा इस मुद्दे को जातिगत आधार पर भुनाना चाहती है, जबकि योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को आईना दिखाते हुए साफ कर दिया है कि जो भी हथियार उठाएगा वो मारा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। इस वक्त एनकाउंटर को लेकर सियासी घमासान पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां पर एनकाउंटर किया गया है उसे फेक बताया जा रहा है विपक्षी दलों की ओर से और तमाम तरह की बयानबाजी हो रही है, जहां एक तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव इस कार्रवाई को दिखावटी कार्रवाई बता रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी का भी इस एनकाउंटर को लेकर अब प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां पर उन्होंने एसटीएफ को भी कहा है कि इसे आपराधिक गिरोह की तरह बीजेपी चला रही है। और चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी से। रत्नेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से। वर्षा शाही हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अपडेट ले लेते हैं वर्षा शाही से। वर्षा, सुल्तानपुर में जो डकैती होती है इसके बाद पुलिस एक्टिव होती है, एनकाउंटर होता है, लेकिन एनकाउंटर के बाद से पूरा सियासी पटकथा शुरू होती है जहां पर वार पार का दौर होता है। एक तरफ सपा मुखिया आरोप लगाते हैं, बीते दिन हमने देखा कि राहुल गांधी ने भी किस तरह से निशाना साधा है, तो दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसका पलटवार कर रहे हैं। अब देखिए, बिल्कुल जिस तरह से सुल्तानपुर में डकैती की बड़ी घटना होती है उसके बाद डकैत को पकड़ा जाता है और इनकाउंटर हो जाता है। इनकाउंटर में मरने वाला मंगेश यादव, और यादव होने की वजह से पहली राजनीति शुरू होती है अखिलेश यादव की तरफ से। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि आखिर जाति के हिसाब से किस तरह इनकाउंटर किया गया, मुख्य आरोपी को पकड़ लिया गया, सरेंडर करवा दिया, उस मंगेश यादव की हत्या कर दी गई। उसके बाद दूसरा ट्वीट आता है राहुल गांधी का। कांग्रेस के राहुल गांधी ने जिस तरह से ट्वीट किया उसमें एक चीज साफ कही कि बीजेपी की केंद्र शासित जितनी भी जगह है वहां पर क्यों कानून को हाथ में लिया जा रहा है, रूल्स ऑफ लॉ बीजेपी को नहीं पता। उसके साथ ही साथ अब लगातार जिस तरह से इस सुल्तानपुर की घटना पर प्रतिक्रिया लगातार आने लगी थी, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से सपा मुखिया और
अखिलेश यादव से लेकर के राहुल गांधी को जवाब देते हुए कटहरी विधानसभा में कहा कि इससे पहले 2017 में जब सपा की सरकार थी तो बेटी और बेटियां सुरक्षित नहीं थी, बल्कि लूट होती थी और आपराधिक इतिहास रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी का शासन 2017 में आया उसके बाद बेटियां सुरक्षित देखिए जिस तरह से निशाना साधा जा रहा था, अब उस पर प्रतिक्रिया सीएम योगी आदित्यनाथ की भी सामने आई है। रुक करना चाहूंगी रत्नेश शेखर। रत्नेश जी, चूंकि एनकाउंटर पर लगातार अब ये मुद्दा बढ़ता जा रहा है, लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जहां सपा मुखिया अखिलेश यादव की ओर से कहा गया कि जाति देखकर एनकाउंटर हुआ है, गोली उनके पैरों में मारी गई है जो बाकी सहयोगी थे, लेकिन मुख्य आरोपी मंगेश यादव की बात करें तो मंगेश यादव की जाति देखकर उसे मार दिया गया। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकारी जितनी भी संस्थाएं हैं, केंद्रीय संस्थाओं का गलत रूल ऑफ लॉ बीजेपी को नहीं पता है, कह रहे हैं कि एसटीएफ को आपराधिक गिरोह बना लिया है। क्या कहेंगे अब इन आरोपों पर? जी आपको सभी साथी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए दीपिका जी, आप जब माननीय मुख्यमंत्री जी अम्बेडकर नगर में दौरे पर थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विपक्ष को तो आईना दिखाया ही दिखाया, उसके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 12 अरब 13 करोड़ की 6,778 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है जो अंबेडकर नगर जनपद के विकास की बात करते हैं, और छात्रों को टैबलेट और मोबाइल फोन का भी वितरण। अब देखिए जो इनकाउंटर की बात की जाती है दीपिका जी, तो इनकाउंटर अगर अपराधी कोई भी होगा तो उसका इनकाउंटर किया जाएगा। आप अपराध नहीं करेंगे, रत्नेश मिश्रा ने कोई अपराध नहीं किया, दीपिका जी आपने कोई अपराध नहीं किया, अशोक जी ने कोई अपराध नहीं किया, वर्षा जी ने कोई अपराध नहीं किया, तो हम लोगों का तो इनकाउंटर नहीं हो रहा ना, हम लोग शांति से रह रहे प्रदेश में। दूसरी बात दीपिका जी, अभी माउंट समाजवादी पार्टी के नेता वीरेंद्र बहादुर पाल के ऊपर उनकी सहयोगी ने बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया है, वो जब से मुकदमा दर्ज हुआ वो फरार चल रहे हैं। आखिर हर बलात्कारी समाजवादी पार्टी का ही क्यों होता है, चाहे वो वीरेंद्र बहादुर पाल हो, चाहे वो नवाब सिंह यादव हो, चाहे वो मोहित खान हो, चाहे वो राशिद खान हो, चाहे वो सलमान खान हो, हर बलात्कारी का संबंध समाजवादी पार्टी से क्यों निकलता है? इस पर समाजवादी पार्टी के नेता नहीं बोलते, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कभी विकास और कभी राष्ट्रहित की राजनीति की ही नहीं, उनकी राजनीति ही चलती थी जात पर। और दो लोगों के भी तो जो लोग भी तो घायल हुए हैं, और अगर अखिलेश यादव जी ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि अगर वो क्या कहते हैं बदमाश या जो मंगेश यादव था वो कोई देवता नहीं था, वो अपराधी था, उसके ऊपर अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज थे, और अगर वो गोली चला देते और पुलिस वाले मर जाते तो अखिलेश यादव जी कहते कि पुलिस सुरक्षित नहीं है। अरे भाई आखिर कहना क्या चाहते हो? दूसरी बात अगर कहते हो जो राहुल गांधी जी ने आखिर ये मुद्दा उठाई कैसे कि जाति देखकर आप लोग जो पुलिस है वो एनकाउंटर कर रही है? देखिए दीपिका जी, विकास दुबे ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती तो उसका एनकाउंटर हुआ, अपराधी था, तब भी ये कहे कि जाति देखकर की जाती है। अरे भाई अपराधी का कोई जाति धर्म नहीं होता, और अखिलेश यादव जी की नजर उठी, शुरू से जातिगत राजनीति करते रहे, परिवारवादी राजनीति करते रहे, अपराधियों को संरक्षण देते रहे, चाहे वो इलाहाबाद में अतीक अहमद हो, चाहे वो मऊ और जौनपुर के इलाकों में, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे आप अन्य जिलों में चले गए तो यादव माफिया हो, तो जब अगर आप अपराध कहेंगे तो आपको कानूनी दंड के तहत दंडित किया जाएगा। और यह बहुत अच्छी बात है कि अपराधियों में भय पैदा किया जा रहा है। मैकियावेली ने द प्रिंस पे लिखा है पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश बाय द फियर इज ऑलवेज परमानेंट। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को और अखिलेश यादव को उन्हें भी पढ़ना चाहिए। दूसरी तो राहुल गांधी जी ने कही कि उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ नहीं है। पहली बात तो राहुल गांधी जी को ही रूल ऑफ लॉ नहीं पता है। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये नहीं होता कि आपकी पार्टी की सत्ता और आपकी पार्टी के नेता की बेटी को घुटियों में काट के फेंक दिया जाए और आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री एफआईआर न दर्ज कराए। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये नहीं होता कि आप प्रदेश की जनता को भुखमरी के कगार पे ले आए। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये नहीं होता कि आप परिवार के लोगों को और क्या कहते हैं अपने हित बंधुओं को लगातार फायदा पहुंचाते रहे। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये नहीं होता है कि या तो मम्मी अध्यक्ष बनेंगी, या तो पापा अध्यक्ष बनेंगे, या तो बेटा अध्यक्ष बनेंगे। बहन महामंत्री बनेगी। चलिए ठीक है रत्नेश जी, मैं आऊंगी आपके पास क्योंकि हमारे साथ अशोक जी भी जुड़े हुए हैं। अशोक जी, क्या किसी अपराधी की कोई जाति होती है?
आप लोग मानते हैं कि अपराधी भी किसी जाति का होना और होगा, यानी आप समझिए कि किसी के घर में अगर डकैती की है, किसी बेटे के साथ दुष्कर्म किया है, तो वहां जाति ज्यादा हावी होनी चाहिए कि अपराधी को सजा मिलनी ज्यादा जरूरी है? मुझे लगता है दीपिका जी, ये सवाल योगी सरकार को या एसटीएफ से पूछने की जरूरत है, क्योंकि अगर जाति देखे अपराधियों को बाइफर्केशन नहीं होता तो जो मुख्य आरोपी था विपिन सिंह, वो आराम से जो है हाजिर करवा दिया जाता है। दो और अपराधी थे उसमें, एक का नाम था सचिन सिंह, एक का नाम पुष्पेंद्र सिंह, जिनके पैरों में तथा कथित गोली बताई जाती, कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस ने पेचकस मार के उनको घायल किया था। तो अगर जाति देख करके एसटीएफ इस तरह कार्रवाई करेगी, योगी सरकार इस तरह कार्रवाई करेगी, एक जो मंगेश के नाम के आगे यादव लिखा था इसलिए उसके छाती पे गोली लगती है, बाकी सचिन के नाम के आगे, पुष्पेंद्र के नाम के आगे और विपिन के नाम के आगे टाइटल था सिंह, इसलिए उन दोनों लोगों के पैर में गोली लगी या पेचकस लगा हो तो जांच के विषय है। और विपिन जो है आराम से कोर्ट में हाजिर हो जाता है, और उसके बाद भी अगर एसटीएफ से इतनी दोस्ती उसको थी जातिवाद को लेकर बिरादरी के नाते, तो कम से कम जो व्यापारी का लूटा गया धन उसको तो वापस करवा देते, और उसकी रिकवरी भी नहीं हो पाई, 10% हुआ। देखिए जो इसके मूल में जाने की जरूरत है, चाहे झांसी के पुष्पेंद्र यादव की हत्या करती है योगी पुलिस, चाहे नोएडा में जिम ट्रेनर जो लड़का था उसकी हत्या होती है योगी पुलिस के द्वारा, एक टारगेट किलिंग है। और एक टारगेट किलिंग के आप अगर बैकग्राउंड में जाएंगी तो जब से योगी सरकार का गठन हुआ दीपिका जी 2017 से, लगातार पीडीए के हितों का शोषण करती आई है, और इसी नीति का विरोध समाजवादी पार्टी करती है, इसी वजह से योगी सरकार के निशाने पर रहती है समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और मुख्य रूप से यादव लोग, क्योंकि कहीं कोई यादव मिल जाता उसको ठोक दो, उनके ठोकने का सिर्फ एक वजह है ताकि इनके मन में भय पैदा किया जा सके कि योगी सरकार का विरोध करना छोड़ दे, ये पीडीओ की पीडीए के आरक्षण के लूटने वाली सरकार का विरोध करना यादव लोग छोड़ दें। लेकिन उनको ये चीज का ज्ञान होना चाहिए कि यादव ऐसी कौम है जो द्वापर युग में, ठीक है ठीक है अशोक जी, एक बहुत छोटा सा सवाल, द्वापर युग में कंस ने भी इसी तरह का कुकृत्य करने का प्रयास किया, लेकिन उस कंस की सत्ता का भी अंत हुआ, और उसी तरह इस कंस बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आती हूं रत्नेश जी आपके पास, अशोक जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। जी अशोक जी, जी तो मैं यही कह रहा था कि यादव समाज को जिस तरह से योगी सरकार निशाने पर ले रही है, उसको इनकाउंटर कर रही है, उसको इस बात को संज्ञान में रखना चाहिए, और द्वापर युग में उस कंस का उदाहरण उसको याद रखना चाहिए कि कंस से। अच्छा आपने कहा अशोक जी पीडीए का जिक्र किया कि पीडीए के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि कोई भी राजनीतिक दल होगा, ऐसा नहीं होता ना कि किसी भी राजनीतिक दल को किसी वर्ग का वोट बैंक नहीं चाहिए, पीडीए का भी तो वोट बीजेपी को भी तो चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है कि यादवों का वोट बीजेपी को नहीं चाहिए? दीपिका जी अगर पीडीए का वोट चाहिए होता तो 69,000 वाला कांड होता क्या? अगर पीडीए का वोट उसको चाहिए होता तो 69,000 वाला कांड हुआ होता? देखिए चोर जब कई बार चोरी करता है ना दीपिका जी, कई बार चोरी करता है तो एक आध बार पकड़ जाता है। ठीक, योगी सरकार लगातार वाइस चांसलर की नियुक्तियों में पीडीए के लोगों को नहीं भर्ती की, असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्तियों में पीडीए के लोगों को भर्ती नहीं की। आप देख लीजिए जिले वाइज उठा के, डीएम हो, एसपी हो या सीएमओ हो, देख लीजिए किस बिरादरी के लोग बैठे हुए हैं, कितना पीडीए का रिप्रेजेंटेशन उसमें है। तो अब इसको ये सब चीजें तो उनको जो पीडीए के लोग चुनाव में नजर आते हैं, चुनाव में पिछड़े दलित को ये लोग हिंदू बना देते हैं, चुनाव बीतता है तो उनको फिर से। लेकिन आप भूल रहे होंगे कि एक राज्य के मुख्यमंत्री यादव ही है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यादव ही है, अगर ऐसा होगा तो पीडीए को साथ तो रहे हैं ना, ये भी तो समझिए। खैर मैं अभी लौटूंगी इसी सवाल पर, इसी मुद्दे पर लौटूंगी। रत्नेश जी काफी देर से कुछ प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं। रत्नेश जी मेरा सवाल भी आपसे रहेगा, क्यों भाई पीडीए से आप लोग भेदभाव कर रहे हैं, क्या पीडीए का वोट बैंक नहीं चाहिए आपको? देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने सामाजिक न्याय की और पीडीए की बात की, तो इनके पीडीए पे मैं कुछ कह रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चाचा विधायक, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चाचा सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चाचा का लड़का सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष के दादा का नाती सांसद, ये तो है इनका पीडीए का पिछड़ा वर्ग। अब आ जाते हैं दलित पे। इनको जब राज्यसभा की टिकट देनी होती है तो इनको कोई दलित नहीं मिलता, इनको कोई एससी एसटी नहीं मिलता, इनको मिलती है जया अमिताभ बच्चन, जो अच्छा खासा पार्टी को पैसा देती है, ये है इनका पीडीए। दूसरी बात,
जब ये अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो इनको मुस्लिम वोट तो करता है, लेकिन अब तक इतिहास में समाजवादी पार्टी ने कभी किसी मुस्लिम को सीएम या डिप्टी सीएम नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? आपको वोट करते थे। दूसरी बात इन्होंने कही कि पिछड़ों की बात नहीं करते। मोहन यादव, बाबूलाल मरांडी, उसके बाद में क्या कहते हैं शिवराज सिंह चौहान, उसके बाद आप चले गए हमारे साहु जी झारखंड छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, हमारे उड़ीसा के मुख्यमंत्री, हमारे यूपी के डिप्टी सीएम, हमारे यूपी के तमाम सारे मंत्री, हमारे केंद्र में भूपेंद्र यादव जी केंद्रीय मंत्री, हमारे केंद्र में चले जाइए लगभग 25 से 26 मंत्री हैं दलित और पिछड़े वर्गों के। इनकी जो सरकारें होती थी क्यों वोट दिया जाता था? हमने उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है, हमने उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया है। ये केवल संविधान को लहराते हैं और हम संविधान को पढ़कर संविधान के अनुसार सरकार चलाते हैं। इनकी पीड़ा केवल इसी बात की है कि इनकी जो जातिगत और राजनीति थी, जो परिवारवादी दीपिका थी, उस पर समाजवादी पार्टी की, उस पर योगी आदित्यनाथ जी ने कानून की ऐसी चोट कर दी है कि उससे ये जातिवादी लोग, परिवारवादी लोग बिलबिला उठे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी सरकारों में जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सरकार ने जो संविधान और कानून में जनता का विश्वास पैदा हुआ, जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकारों में खत्म हो गया था, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार का केवल एकमात्र लक्ष्य है दीपिका जी, प्रदेश की जनता को खुशहाल बनाना, सुरक्षा देना और मजबूत करना। क्या जनता का विश्वास कानून और संविधान में, जो इनकी सरकारों में कब्जा मिट चुका था? इनको डर यही है कि इनकी राजनीति एक्सपोज हो रही है। वर्षा चुकी।